हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता एंड शंकर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हम अपने मायके में ही हैं, क्योंकि शिवरात्रि के बाद जो हम दंडवत किए थे ना, तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और पूरे बॉडी में पेन हो रहा था बहुत, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैं जाऊँगी संडे को और तब तक के लिए रहती हूँ अपने मायके में ही। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी आरव भी उठ गया है और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, मतलब आठ नहीं बजे हैं, मतलब बजने ही वाले हैं। तो आरव भी उठ गया है और वो सुबह सुबह ही ना आज मम्मा मम्मा मतलब बोल रहा है। और आरव बस 10 महीने का ही है, तो फिर भी वो दादा दादी मम्मा पापा मतलब सब कुछ बोलता है धीरे धीरे। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको, बने रहिएगा ब्लॉग में। मम्मा 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 मम्मा। वेरी गुड आरव, मम्मा बोल रहा है मम्मा। देखिए फ्रेंड्स, ये खेल रहा है अभी यहाँ पर और सुबह सुबह ही है हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं कि कैसे ये मम्मा मम्मा कर रहा है सुबह उठकर और अपने ही धुन में खेले जा रहा है। और आरव यहाँ ओढ़ने वाले में ही सो गया है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला ही है, क्योंकि अभी तो उतना ठंडा भी नहीं है, पर फिर भी बच्चा है तो बच्चों को ठंड तो लग ही जाती है। तो देखिए, इसको हम साइड कर दे रहे हैं अभी और आरव अभी खेल रहा है, तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मम्मी जो है ना आलू का पराठा बना रही है, और हमको जो है ना आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर मेरी मम्मी के हाथ का। पता नहीं मेरे मम्मी के हाथों में क्या जादू है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनाती है। कुछ भी बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है सच में। और खीर हो, आलू का पराठा हो, मतलब इनका पराठा हो या रोटी हो, इतना मुलायम कैसे बन जाता है पता नहीं, मेरे से तो नहीं बनता। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी यम्मी यम्मी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जिसको जिसको खाना है आलू का पराठा, मेरे घर पे आ जाइए जल्दी से। और बहुत टेस्टी बन रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ईशा क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे खेल रही हो तुम गुड़िया के साथ भी खेल रही हो? इधर इतना कॉपी किताब क्यों फैला के रखी है? हाँ, पढ़ रही है। ये सब बुक तुमको समझ में आ रहा है? बुक है क्या क्या है? ऐसे फैला के मत रखो, सब अच्छे से रख दो। देखो इधर उधर नहीं फेंकना है ना। चलो सब उठा के अच्छे से रख दो, ठीक है? जाओ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, ये वाइट रोज, और इस बार रेड वाला नहीं खिला हुआ है रोज। और ये देखिए वाइट वाला, मतलब बहुत खिला हुआ है छोटा छोटा। और यहाँ पर देखिए, ये ना केला का पेड़ है और इसमें केला भी लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले मम्मी बता रही थी ना कि आंधी पानी में एक केला गिर भी गया था इसका। तो ये देखिए मेरा कुआं है यहाँ पर, और कितना सारा पानी है। और ये पानी है, गर्मी के दिन में भी ये जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सामने में तालाब वगैरह है ना, तो इसी वजह से जल्दी से नहीं सूखता है ये, और पानी रहता है अच्छा खासा। और यहाँ पर पता है, यहाँ पर पहले ना बेर का एक पेड़ हुआ करता था और बहुत अच्छा लगता था बेर भी, खट्टा मीठा, लेकिन अभी पता नहीं उसको काट दिया गया है।
और देखिए वो जो मंदिर दिख रहा है ना, वो वही मंदिर है, शिव मंदिर जो हम गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ से दिख भी रहा है। और इधर भी बहुत सिर्फ पेड़ पौधा ही है, आम का पेड़ यही सब है देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं छत पे आई हुई थी, तो मैंने सोचा आप सबको यहाँ का सीन दिखा देती हूँ। और देखिए अभी सूर्य डूबा नहीं है, डूबने वाला है। और अभी जो है टाइम वही लगभग आपका 5 बजने वाले हैं, मतलब 5 बज ही गए हैं लगभग। और देखिए यहाँ से तालाब भी दिख रहा है भरा भरा हुआ, अभी तालाब भरा है इसी वजह से दिख रहा है तालाब। तो ठीक है फ्रेंड्स, नीचे मेरा जो है ना नेटवर्क अच्छे से नहीं पकड़ता है, इसी वजह से मुझे छत पे आना पड़ा। और देख सकते हैं यहाँ पे लोग अभी भी, मतलब गांव है तो बहुत से लोग खेती गृहस्थी पे, मतलब खेती पे आधारित है बहुत से लोग। तो देख सकते हैं यहाँ सब लोग लगाए हुए हैं पत्ता गोभी वगैरह बहुत कुछ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।